राम राम जी। के हालचाल सभी के सब बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो भाई आज का टॉपिक बड़ा ही बेमिसाल होने वाला है। आप लोग ये कहोगे यार ये चीज़ अगर हमें कोई पहले बता देता तो हमें जो लोकल दुकानदार है वो लूटने की हिम्मत नहीं रखता। तो आज का टॉपिक होने वाला है हाउ टू चूज़ ए परफेक्ट मैदानी काइट। तो हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ, अच्छी पतंग जो मैदानी पतंग होती है उसको हम कैसे चूज़ करें, क्या पहचान देख कर उसको हम खरीद सकते हैं, ठीक है ना। उनकी क्या पहचान होती है, अगर कोई कारीगर हो या कोई दुकानदार हो वो आपको बोल रहा है कि ये मैदानी है, ये ऐसी है, ये वैसी है, तो क्या वो सही है? क्या तरीका है पतंगों को चूज करने का कि ये सच में कारीगर की बनी हुई है, छिले हुए कमान, सिके हुए ठंडे हैं बढ़िया तरीके से, तो क्या देख करके हम पतंगों को ले सकते हैं? आज का टॉपिक इसी पे कवर करूँगा पूरा का पूरा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। इतनी गर्मी हो रही है, टेम्परेचर हो रहा है 45 डिग्री की टेम्परेचर हो रहा है, और सामने की धूप देखिए कितनी खतरनाक, इतनी खतरनाक धूप हो रही है बस। और मैं खड़ा हूँ इस वाली मंजिल पे, मैं मतलब दूसरी मंजिल पे खड़ा हूँ, सीधा तपरा है कमरा और बिना पंखे के खड़ा हूँ भाई। ये देख लो पंखे नहीं चल रहे, अगर मैं यहाँ पे पंखे चलाऊँगा ना तो ये मान के चलो कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं आएगी, नॉइस प्रॉब्लम होगी। तो तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ इतनी गर्मी में। तो यार एक लाइक तो बनता है मेरे भाई, इतनी गर्मी में खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपको सही क्या है गलत क्या है वो पहचान दिलाने बताने के लिए। और भाई मेरे एक चीज़ और बता देना चाहूँगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, कि मेरा काम है आप लोगों को अवेयर करने का। इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी लोगों के अब मैसेज आ रहे हैं कि ये आईडी ख़राब है क्या, ये आईडी सही है क्या। भाई अगर आपके साथ में कोई स्कैम करता है तो मुझे बता दे, अगले दिन उसका वीडियो आ जाएगा, क्योंकि अब मैं चुप नहीं बैठने वाला, बहुत होली फ्रॉडबाजी। एक ही बात कहूँगा कि जिस पर तुम्हें ट्रस्ट हो वो बंदा अगर तुम्हारे लिए ठीक है तो भाई उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, मेरे पे हो तो मेरे पे कर लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है आप मेरे से ले रहे हो, मैं आपको फोर्स नहीं करता, आप किसी और से भी जाके सामान ले सकते हो, ठीक है। मैं शौक करता हूँ, जो चीज़ मैं उड़ाता हूँ, जिस चीज़ का मैं मान यूज़ करता हूँ मुझे शौक है। तो भाई कोई गलत फहमी में ना पालना कि मैं कोई शौक कीपर हूँ, एक शौकीन बंदा हूँ, जो चीज़ भाई मेरे पास में आ रही है मैं आपको वो दिलाने में क्यों संकोच करूँ। भाई आप भी मजा लो उस चीज़ का, आप भी शौक पूरा करो अपना। वो आगे चलते हैं भाई वीडियो में, बताते हैं आपको एक परफेक्ट काइट की पहचान क्या है। ये शांतनु भाई का पार्सल है, और शांतनु भाई तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, तो मैंने उनका ही पार्सल खोला हुआ है। जो मेरे लड़के लोग हैं वो इसको अभी डिस्पैच करने ही वाले थे, मैंने उनको रुकवा लिया। तो इन्हीं में से मैं आपको बताऊंगा कि एक परफेक्ट काइट की पहचान आप क्या देख के ले सकते हो, क्योंकि ये सारी की सारी मैदानी पौना है। अगर इसमें से एक भी काइट, चालू काइट निकल जाए तो भाई पूरा पार्सल रिटर्न, और जितने उन्होंने पैसे दिए डबल रख के गारंटी के साथ में हम डील करते हैं। औरों का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं विद गारंटी के साथ में डील करता हूँ। अगर एक भी पतंग जो कह के ना दी, पूरी की पूरी मनी बैक गारंटी डबल वो भी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सवाल उठता है कि पतंगों के लिए सबसे बेस्ट पेपर कौन सा होता है। देखिए अजंता होता है, लेकिन थोड़ा अजंता भी शॉर्टेज में चल रहा है। एक खटीमा का पेपर आता है, बहुत खटीमा भी बहुत अच्छा पेपर होता है, लेकिन अजंता से थोड़ा हल्का होता है, लेकिन आपको मज़ा पूरा आएगा। दोनों पतंगें यूज़ कर लेना, खटीमा वाली भी यूज़ कर लेना, अजंता वाली भी यूज़ कर लेना, या त्रिवेणी यूज़ कर लेना, मज़ा पूरा आएगा। पूरी की जो पूरी जो पतंग बन के आएगी, पूरी मैदानी बन के आएगी, छिले कमान, छिले ठड्डे, सिके ठड्डे, पूरे एकदम प्रॉपर तरीके से आएंगे। ये नहीं कि आपने पतंग खींची तो बीच में से तिल्ला टूट गया, नहीं, पतंग में चुस्ती दुरुस्ती आपकी भरपूर रहेगी। अब जैसे सपोज़ करिए, अब ये भाई आपकी एक पतंग है, ये मीडियम फर्मे की पतंग है, आपको देख के लग रहा होगा। सबसे पहली पहचान आपको देखो इसकी कैसे करनी है, मैं आपको इसकी पहचान बताऊँगा। जो इसके बीच वाला ठड्डा है ना, इस पर आप ऐसे हाथ फेर के देखना, अगर आपको ये मुलायम महसूस हो रहा है, मतलब कहीं पे ज़्यादा खड़ा महसूस नहीं हो रहा है, तो भाई तो ये पतंग आपकी एक मैदानी पतंग है। और साथ में एक चीज़ और चेक करना, ये जो आपकी कमानी है इस पे भी आप इस तरीके से हाथ फेर के देखना, इस तरीके से, ठीक है ना। ये आपको हल्का मुलायम लगेगा, और ज़्यादा अगर चुभन हो रही है या कुछ ज़्यादा खड़ा खड़ा लग रहा है या बाँस जैसा महसूस हो रहा है, तो भाई इस पतंग को आप वहीं छोड़ देना, क्योंकि आपके साथ में स्कैम किया गया है और आपको बढ़िया तरीके से लूट लिया है। क्यों? इस तरीके से हाथ फेरने से नोकदार कुछ भी ऐसा चुभता है जैसे कुछ कोई बांस खड़ा हो, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? या तो मेरे भाई वो आपका एक लोकल कमानी, लोकल ठड्डा से यूज़ की गई पतंग है। कागज़ अच्छा लगाने से पतंग नहीं बनती है, कमानी और ठड्डे पे जब काम किया हुआ होता है तब अच्छी पतंग बन के सामने आती है। ये चीज़ का बहुत बेखूबी ध्यान रखना, एक अच्छी पतंग की पहचान के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। पतंग को जब आप इस तरीके से होल्ड करके देखते हो तो पतंग में एक बहुत ही करारी और ज़बरदस्त मधुर आवाज़ पैदा होती है, जो आपको बताती है कि ये कोई चालू काइट नहीं है, ठीक है। ये देखिए, ये फर्म, ये लचीला होना चाहिए आपका, ये जो चीज़ है आपकी लचीली होनी चाहिए, और जो कमानी है ना तो ज़्यादा मोटी और ना ज़्यादा पतली, ये बिल्कुल आपका मीडियम रहनी चाहिए कमानी। देखो इस तरीके से,
समझ रहे हो, दिख रहा है? ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ से मोटी हो गई और यहाँ से पतली हो गई। तो अगर ऐसी होती है तो समझिए कि वो चालू काइट पे काम किया हुआ है और आपको चालू काइट पकड़ा दी फिनिशिंग करके। और पतंग की आप एक बार ये देखिए, चुस्ती देखिए पतंग की एक बार आप, ये देखिए पतंग की, ये देखो भाई बहुत ही ज़बरदस्त। जिस टाइम पे भाई 12-15 की हवा होगी ना, उस टाइम पे इस पतंग की फुर्ती देखना आप। आपका मांजा तो काम करेगा ही, लेकिन पतंग उससे पहले काम कर देगी। अगर आपके पास में पतंग बढ़िया नहीं है ना, तो आपका मांजा कुछ नहीं है फिर, चाहे कितना 1000 रुपये का मांजा यूज़ कर लेना मेरे भाई। दूसरी पतंग ये देखिए आप, पहले तो आप पेपर देखिए कितना साफ पेपर है, कितनी शानदार है, खटीमा का पेपर है ये, खटीमा से एक ऊपर पेपर आता है उस पर बनी हुई है ये देखिए भाई। आपको हाथ में लेके पतंग की वैल्यू पता लग जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है मेरे भाई, ये देखिए। तो मैं हमेशा से आपको ये चीज़ बोलता हूँ कि यार आप अगर शौक कर रहे हो तो अच्छा शौक करिए, पर ज़रूरी नहीं है कि भाई महंगी पतंग ये आपका शौक पूरा करेगी। 20 रुपये में, 21 रुपये में, 22 रुपये में, 25 रुपये में, 28 रुपये में बहुत अच्छी अच्छी मैदानी पतंग आ जाती है, जो आप मज़ा भरपूर ले सकते हो उनका, ठीक है भाई। ये देखिए पतंगों को देखते रहिए और मज़े लेते रहिए। देखिए भाई, तो ये शांतनु भाई का ऑर्डर जा रहा है, तो मैंने सोचा था आपको इसमें से मैं बता दूं कि आपको क्या पहचान करके लेनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपने देख लिया होगा भाई किस तरीके से आपको पतंगों की पहचान करनी है और क्या देख करके आपको चीज़ लेनी है, ठीक है। पतंग का एक तो लचकीलापन देखना है, और पतंग को जब आप दोनों साइड से पकड़ के इस तरीके से मोड़ोगे तो वो महसूस करना है कि कितना लचीला है उसका जो कमानी है, टाइट ज़्यादा ना हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद है ना तो लाइक कर देना, पसीना बहुत आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।